यह है राजशमानी क्लिप्स चैनल। बहुत कम समय में अगर एक बेटर लीडर बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जो रईस लोग हो जाते हैं, जो आपको 10,000 करोड़ की कंपनी है, 15,000 करोड़ की कंपनी है, उनके लिए इजी हो जाता है बहुत लोन लेना बिना चेकिंग के, बिना एनालिस्ट के। बिना कैपिटल के जो है बिजनेस नहीं बनता है, केवल अपनी इक्विटी कैपिटल से बनता ही नहीं है। और बैंकों का ये एक रोल होता है कि जो सेविंग्स हैं वो चैनलाइज करके, अगर आपको आज एक मान लीजिए 2,000 करोड़ का प्लांट लगाना है तो 2,000 करोड़ रुपए किसके पास है? तो बैंक से लोन तो आप लोगे, तो लोन देना वो तो बैंक का काम है। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा लोन होगा, छोटा प्रोजेक्ट है तो छोटा लोन होगा। वो बैंक ये बोलते कि मैं बड़ा प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं करूँगा, तो कह सकता है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी रिस्क एपिटाइट जिसको बोलते हैं वो डिफाइन करनी पड़ती है। और उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे बैंक है, मान लो स्टेट बैंक का ही अगर एग्जांपल ले, अगर स्टेट बैंक 5,000 करोड़ का लोन देता है और यस बैंक 5,000 करोड़ का लोन देता है तो दोनों में फर्क है। अमाउंट तो एक ही है, लेकिन जिस बैंक की बैलेंस शीट 3,00,000 करोड़ है और जिस बैंक की बैलेंस शीट 35,00,000 करोड़ है, तो आप फर्क समझ रहे हैं ना? हाँ। कि अगर वो लोन खराब होगा तो यस बैंक डूब ही जाएगा, स्टेट बैंक नहीं डूब। लेकिन ऐसे अगर सारे लोन एक ही टाइम में खराब होना शुरू हो जाए तो स्टेट बैंक को भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम हो जाती। और वो हुआ एक टाइम में, बहुत से कारण थे उसके, लेकिन एक जो नैरेटिव बना दिया जाता है कि बैंक पैसा लुटा रहे हैं, बैंक जो है बैंकर्स जो है, मतलब व्हाटएवर, जो अगर मीडिया के चैनल्स आप देखोगे तो वो शाउट कर करके कुछ लोगों ने अपनी TRP बनाने के लिए जो है इसी को इतना बड़ा इशू बना लिया। जहाँ कोई गलत काम हुआ है वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन सारे ही लोन और सब उसमें गलत ही काम होते हैं, इस तरह का नैरेटिव जो है वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है। इट्स अ वेरी नाइव क्वेश्चन मे बी, बट मुझे जानना है इसके बारे में कि जैसे जब लोन लेते हैं, जैसे मान लो विजय माल्या केस, ठीक है, तो उन्होंने लोन तो लिया कंपनी के नाम पे, और इंडिया में कंपनी के रूल्स हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है, तो मैंने कंपनी के नाम पे लिया लोन और मैंने 5,000 करोड़ लिया, 10,000 करोड़ लिया, और उसके बाद मैं एक कंपनी नहीं चल पाई और कंपनी डूब गई, तो टेक्निकली अकॉर्डिंग टू जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है तो कंपनी लाइबल है पे करने के लिए, डायरेक्टर तो लाइबल नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि विजय माल्या ने तो कंपनी के बेस पे पर्सनल थोड़ी लोन लिया, तो उन्हें अकाउंटेबल क्यों होल्ड किया जाता है वर्सेस कंपनी को क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी तो बोल सकती है, हाथ खड़े कर सकती, जैसे मेरी कंपनी, मैंने 1,000 करोड़ लोन लिया, मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि यार नहीं हो पाया, कंपनी नहीं रिपे कर पाई। अगर ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी नहीं बनाई गई, ये भी आदमी के दिमाग की उपज है, ये कोई बहुत पुरानी चीज़ तो है नहीं, मेरे ख्याल से 150-200 साल पुरानी चीज़ होगी जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज पहले बनाई गई। तो ये भी एक इनोवेशन है और इसलिए वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका बहुत बड़ा रोल है लिमिटेड लाइबिलिटी का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर आप डाल दोगे किसी इंडिविजुअल को तो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ या इतना बड़ा लोन मिलेगा नहीं। तो ये प्रिज्यूम करा जाता है कि जो कंपनी है दैट इज ऑल्सो ए पर्सन, और कंपनी की ही आप फाइनेंशियल पोजिशन देख के लोन देते। जो उसके प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी तब आती है जब आप कंपनी जिन नियम के अनुसार चलनी चाहिए उसके अनुसार नहीं चलाते। ओके, अगर आपने कंपनी के लिए लोन लिया कि मैं जो है इसके लिए ऑफिस बनाऊंगा 50 करोड़ खर्च करके, और आपने ऑफिस नहीं बनाया और पैसा किसी और कंपनी में या कहीं और ले गए, तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी आएगी और आनी भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये आपने जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, गॉट इट, तो प्रमोटर की वैसे लाइबिलिटी नहीं है, वो तब तक नहीं है जब तक कि आपने प्राइवेट यूज नहीं किया, जब तक आपने उस ट्रस्ट को मेंटेन करा, आपने कंपनी से पैसा नहीं निकाला, आपने कंपनी के फंड्स डाइवर्ट नहीं करे। अगर मैंने आपको ऑफिस बनाने के लिए पैसा दिया और आप विला में लगा दो बनाने में, तो फिर तो आपकी लाइबिलिटी बनती है। कंपनी में जो प्रमोटर भी होता है इन ए वे,
वो एक तरह का ट्रस्टी होता है ना, हु इज रनिंग द फेस ऑफ द कंपनी। यस, और उसके अराउंड इतना बड़ा कंपनी लॉ लिखा हुआ है, अगर लिस्टेड एंटिटी है तो इतने बड़े सेबी के रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, तो आपको वो तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। ये माना जाता है और ये गिवन है कि आपके सारे एफर्ट के बाद भी कंपनी लॉसेस में चली जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और इंसाइटफुल क्लिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।